प्यार भरी सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों होप तुसी सारे बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। अज मैं तुहाडे नाल गल करांगा टर्की दे बारे। मैं तुहानू इनफॉर्मेशन देवांगा, डॉक्यूमेंट्स दसांगा और किस तरह तुसी उहदा ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा लै सकदे हो, मैं उहदे बारे तुहाडे नाल गल करांगा। टर्की क्यों? टर्की इस करके कि टर्की इस टाइम तुहानू डायरैक्ट फ्लाइट दे रहा है। मैं तुहानू स्क्रीन ते दिखा दांगा कि उहदी फ्लाइट आ रही है नवंबर दी, ए मंथ चल रहा है अक्टूबर दा, और टर्की जो है वो लास्ट मंथ तो खुल चुका है। तो टर्की वास्ते सानू ई वीज़ा लेना है, तो उहदे वास्ते सानू उहदी कंडीशन हैगी है। दोस्तों कंडीशन यह हैगी है ई वीज़ा वास्ते, जे तुहाडे कोल यूएसए, यूके और आयरलैंड और शेनेगन दा वीज़ा वैलिड वीज़ा हैगा तो तुसी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तुहाडे कोल इह कंडीशन है ई वीज़े दी टर्की दी कि तुहाडे कोल तिन्ना दा अगर वैलिड वीज़ा हैगा तो तुसी ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। दूसरा स्टिकर वीज़ा, स्टिकर वीज़ा बहुत अच्छा है, बहुत हैल्पफुल है तुहाडे ट्रैवल हिस्ट्री वास्ते। अगर तुसी उत्थे ट्रैवल कर लैंदे हो तो काफ़ी अफेक्टेड है, जिवें यूक्रेन हो गया और रशिया हो गया, इस दे मुकाबले ही टर्की भी अगर तुसी एक बारी विजिट कर लेंदे हो तो तुहाडा जिहड़ा पासपोर्ट है वह ट्रैवल हिस्ट्री जिहड़ी है वह काफ़ी इफेक्टफुल रहेगी तुहाडे वास्ते। तो अज मैं गल करांगा कि उहदे वास्ते की डॉक्यूमेंट्स चाहिए ने और की उहदा प्रोसीजर है और किस तरह तुसी उहनूं ईजी तरीके नाल उहदा जिहड़ा स्टिकर वीज़ा है टर्की दा वह लै सकते हो। दोस्तों तो स्टार्ट करने हैं बिना किसी उस तो, सब तो पहला जिहड़ा डॉक्यूमेंट्स हैगा वो तुहानू ओबियसली पासपोर्ट चाहिए है, पासपोर्ट 6 मंथ वास्ते वैलिड होना चाहिए और वो लास्ट 2 पेज जड़े ने वो खाली होने चाहिए ने। टर्की की जिहड़ी फोटोग्राफ है 2.5 इंचज की है, यदा डायमेंशन थोड़ा जहा अलग है, मैं तुहानू एक बार दिखा देना। इस तरीके का कुछ फोटोग्राफ है, नॉर्मल नहीं है, 2.5 इंच का जिहड़ा इहदा साइज हैगा। दोस्तों पहला पासपोर्ट, दूसरी फोटो और तीसरा ट्रैवल इंश्योरेंस, चौथा तुसी फुल वैक्सीनेटड होने जरूरी हो। अगर तुसी फुल वैक्सीनेटड नहीं हैगे तो तुहानू क्वारंटीन हैगा, फिर अगे तुहानू उहदा प्रोसीजर सारा जिहड़ा है पता है। तो RCPCR टैसट भी तुहानू चाहिए होगा अगर तुसी इत्थों जाना है। तो मैं गल कर रहा सी डॉक्यूमेंट्स की, पहला पासपोर्ट, दूसरा फोटोग्राफ, तीसरा ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस तो बाद दोस्तों तुहानू चाहिए हैगा, अगर तुसी एम्पलॉई हैगे हो तो तुहानू अपनी कंपनी तो एक NOC लैटर चाहिए। NOC लैटर तो बाद उस NOC लैटर के उत्ते मैनशन होना चाहिए तुसी किन्ना टाइम तो उत्थे जॉब कर रहे हो, ठीक है, और NOC लैटर ते तुहानू मैनशन होना चाहिए कि तुसी किन्ने दिन की उत्थों छुट्टी ली है और तुहाडी जिहड़ी ईयरली सैलरी इनकम है वह किन्नी हैगी है। तो यह चीज़ तुहानू चाहिए है, NOC 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और 6 महीने का सैलरी स्लिप और या फिर तुहाडा सैलरी सर्टिफिकेट, यह जिहड़ी चीज़ है बकायदा सील और स्टैंप होनी चाहिए है, सैलरी स्लिप भी और बैंक स्टेटमेंट भी तुहाडी। अगर तुसी एम्पलायर हैगे हो या तुसी तुहाडा अपना बिजनेस है, तुहाडा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, तुहाडी GST और तुहाडी बैंक स्टेटमेंट वह भी जिहड़ी है तुसी बैंक तो सील और स्टैंप करवा के रखो। उस तो बाद अगर मैं गल करा कि तुहानू होर की चाहिए है, तुहानू 3 साल की ITR चाहिए है, तुहानू फ्लाइट टिकट्स चाहिए ने, तुहानू होटल वाउचर चाहिए ने, कन्फर्म होटल बुकिंग चाहिए है, होटल बुकिंग तो बाद तुहानू आइटनरी चाहिए है, आइटनरी तो बाद तुहानू एक वधिया जिहा कवर लैटर चाहिए है। थोड़ी बहुती तुहाडी ट्रैवल हिस्टरी होनी जरूरी हैगी है, और अगर तुहाडी थोड़ी बहुती ट्रैवल हिस्टरी हैगी है तो तुहानू ईजी हो जाता हैगा टर्की का वीज़ा लेना। टर्की तुहानू 30 दिन वास्ते एंट्री देता है, 6 महीने का वीज़ा भी मिल सकता है और 2 साल का वीज़ा भी मिल सकता है। और तुसी जिहड़ा टर्की का वीज़ा है गैटवे ग्लोबल तो अप्लाई कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन च इहदा अपॉइंटमेंट का भी लिंक दे दांगा और जितों तुहानू ये फॉर्म चाहिए उहदा भी लिंक दे दांगा। फॉर्म फिल करो, फॉर्म फिल करन तो बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करो, अपॉइंटमेंट लो और फीस
फीस हैगी है जिहड़ी अंबेसी फीस है वह 4500 रुपए के आस पास है और गैटवे ग्लोबल की फीस भी 4500 रुपए के आस पास ही हैगी है और 4 या 500 रुपए है लोग कोरियर चार्ज लेने अप्रोक्सीमेटली 9.5 to 10,000 रुपए का तुहाडा जिहड़ा खर्चा है वह पैंदा है टर्की वीजे वास्ते। और अगर तुसी अपनी फाइल जिवें फ्लाइट टिकट्स कवरिंग लैटर होटल बुकिंग्स ए अगर तुसी किसी एजेंट तो कराते हो तो मिनीम मेरे ख्याल में 1.5 या 2,000 रुपए वो इस चीज़ के भी ले लैंदा है तुहाडी पूरी फाइल तैयार करके तुहानू दे देंदा है। बहुत ईजी प्रोसैस हो जाता है अगर तुसी कराते हो अगर खुद ब खुद करते हो तो वैल एंड गुड है। डमी टिकट्स भी लगा सकते हो तुसी इस दे विच होटल की बुकिंग हैगी कन्फर्म लगाओ ज़्यादा बैटर है। ट्रैवल आइटनरी बहुत जरूरी है कवर लैटर बहुत जरूरी है यह कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो तुसी लगा के खुद ब खुद प्रोसैस कर सकते हो इस टर्की वीजे नू। और अगर तुहाडे कोल यूएसए यूके और आइसलैंड का वीज़ा है तो तुसी ईजीली ई वीज़ा भी तुसी उहदा लै सकते हो। एनी को इनफॉर्मेशन सी टर्की वीज़ा वास्ते होप तुहानू वीडियो चंगा लगा है। अगर वीडियो चंगा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना वीडियो नू शेयर करना क्योंकि हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। वो कुछ छुट गया है तो इंस्टाग्राम के थले आईडी आ रही होएगी उत्थे फॉलो करो और कुछ भी कमेंट करके गल करनी है तो तुम मेरे नाल उत्थे गल कर सकते हो। होप तुहानू इनफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इन्ना ही बस फिर अगली वीडियो च फिर मिलांगा एक और इनफॉर्मेशन लैके। सबसक्राइब कर लो क्योंकि वीज़ा और ट्रैवल के बारे मैं तुहानू जरूर दसदा रहांगा कोई ना कोई इनफॉर्मेशन तुहाडे बारे तुहानू मैं प्रोवाइड करवांदा रहांगा। सत श्री अकाल शब्बा खैर मिलने अगली वीडियो दे विच।